एक बहुत बड़ी धांधली के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, और आप सब जितने भी लोग मेंटेनेंस का केस झेल रहे हैं इस वक्त, वो सब इस धांधली का शिकार हो चुके हैं, होने वाले हैं। और आपको पता ही नहीं है कि आपको कभी भारी भरकम राशि अपनी बीवी को देनी ही नहीं होती, चाहे सालों केस चल जाए। सिर्फ उस दिन से पैसा देना होता है जिस दिन की आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, काफी लोग सोच रहे होंगे लाखों रुपए की रकम बाकी है, कैसे होगा, क्या करेंगे। इसको कानून के संगत में हम समझेंगे, यानी कानून के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है उस तरह से समझेंगे। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने का यही सबसे अच्छा मौका है कि आपके लिए कोर्सेज हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले कोर्सेज हैं। इनके अंदर बेहतरीन तरीके से लोगों ने अपने रिजल्ट्स डिजाइन करे हैं, आसानी से अपने केसेस से बाहर आ रहे हैं मक्खन की तरह, क्योंकि केस झूठे। तो इस जगह पर कोई आपका कोर्ट सुन रहा हो ना सुन रहा हो, आपके वकील साहब सुन रहे हो ना सुन रहे हो, तब भी आप रिजल्ट आ सकते हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे इन कोर्सेज के अंदर, इतने नॉलेज देते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त और हाई लेवल की रहती है। आपकी बात सुनना जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छे जजमेंट्स, अच्छे रेफरेंसेस, ट्रिक्स, सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस फॉर्मूलाज, सब कुछ आपको हमारे इन कोर्सेज में मिलती है। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए, और उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपके पास फोन आएगा। सीधे आते हैं आपके मुद्दे की बात पर जिसके लिए आप यहां आए हैं। एरियर नहीं देना होता है दोस्तों, एरियर बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि एरियर देने के अंदर एक बहुत टेक्निकल फॉल्ट होता है, और इस टेक्निकल फॉल्ट को हम सीपीसी और चीजों से भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर सीधा सीधा इसको बस डायरेक्ट समझेंगे 125(2) से। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी पत्नी दिए गए टाइम में कोई भी एग्जीक्यूशन कराने के लिए, यानी कि कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और पैसा उसे चाहिए, तो उसे हर साल एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। मान लीजिए आपका केस मेंटेनेंस का डिसाइड नहीं हुआ, ना मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है और ना केस डिसाइड हुआ है, और चलते 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 3-4 साल हो गए। ये कोर्ट्स की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, पर उन्हें ये पता होता है कि आपको कानून की बारीकी नहीं पता है। आपकी पत्नी को कोर्ट से मेंटेनेंस लेने के लिए हर 6 महीने मिनिमम, यानी हर 6 महीना खत्म होते ही मेंटेनेंस के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी होगी, और फिर उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही वो लगा सकती है। 6 महीने बाद कब तक लगा सकती है? 12 महीने पूरे होने से पहले पहले कभी भी लगा सकती है, पर 12 महीने पूरे हो गए तो उस पूरे 12 महीने का मेंटेनेंस उसे नहीं मिलेगा, केस आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे लड़ते लड़ते उसे 4 साल हो गए, जब उसे 4 साल हो गए और उसने बीच में एक भी एप्लीकेशन नहीं लगाई, और लास्ट में जब कोर्ट ने ऑर्डर किया और कहा डेट ऑफ एप्लीकेशन से देंगे साहब हम मेंटेनेंस, ठीक है, आप कहिए एग्जीक्यूशन की यहां पर एप्लीकेशंस कहां है पिछले 3 साल की? इस साल का जब आपने ऑर्डर किया है और अगर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आपकी वाइफ लगाती है, तो आप कहिए बाकी के सालों के मैं कैसे दे दूं मेंटेनेंस, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई नहीं रखी। अब यहां पर कोर्ट भी आप पर चढ़ेगी कि साहब देखिए ऐसा है, आपको हमने ऑर्डर किया है, तो कहिए साहब आपका भी फॉल्ट है, क्योंकि कोई भी मेंटेनेंस का केस डीवी हो, HMA 24 हो या 125 सीआरपीसी हो, सब में कहा गया है, और रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वो भी इस बात का पूरी तरह से समर्थक है कि 60 दिन के अंदर अंदर इन्हें डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, मतलब जरूर जरूर होना चाहिए, इसके अंदर ऐसा कोई है नहीं कंडीशन। तो आपने 60 दिन में इसको डिस्पोज ऑफ करने की जगह सालों क्यों चलाया? आप ही ने तो मेरी पत्नी को 3 साल तक इंटरिम मेंटेनेंस देने तक के लिए महरूम रखा, और ऐसी सूरत में अब आप 3 साल बाद कह रहे हैं कि साहब मैं इसके अंदर पैसा दे दूं, तो डिले तो मेरी तरफ से नहीं हुआ। एडजॉर्नमेंट्स का सारा रिकॉर्ड बना लीजिए, जो झूठे झूठे केसेस होते हैं उनके अंदर जो एडजॉर्नमेंट ज्यादातर कोर्ट देती है उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं लिखती, यानी कि कोई कारण नहीं लिखती है, बस दोनों पति पत्नी आए उपस्थित थे, बस बात खत्म, और सिंपल 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 डेट ऑफ एडजॉर्नमेंट, ना तो आपने एडजॉर्नमेंट मांगा और ना पत्नी ने मांगा, कभी कभी लिखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में आप आपत्ति डाल दीजिए, साहब मैंने एडजॉर्नमेंट नहीं मांगा है, आप कृपया जो भी आपको उचित लगे वो लिखें, पर मेरा नाम लिखकर ना लिखें कि एडजॉर्नमेंट पति ने मांगा, मैं एडजॉर्नमेंट नहीं मांग रहा हूं, आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं मैं ले रहा हूं, बात खत्म। ये कहां काम आएगा जब 3-4 साल निकल जाएंगे और एक भी जगह आपके इक्का दुक्का जगह एडजॉर्नमेंट मांगने के अलावा कहीं भी नहीं लिखा होगा, तो कोर्ट के ऊपर ही रायता सारा चला जाएगा।
जब आपको 3 साल के अंदर आकर ये बात समझ में आई जो 3 साल पहले भी समझ में आ सकती थी कि इंटरव्यू देना है, और आपने अभी तक कोई सबूत नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो इस सारी जोड़ तोड़ जो मिलाकर है वो पूरी तरह से पिछले कई सालों का आपका मेंटेनेंस माफ करा सकती है। डेट ऑफ ऑर्डर के आसपास का ही पैसा आपको अपनी बीवी को देना होता है, जो जनरली 2-4 महीने 5 महीने का पैसा होता है, अगर आपसे बुरे से बुरी स्थिति ऐसी आ गई है। इसके अंदर कोर्ट चढ़ाई भी करे कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, अपील कर दीजिए। तब तक के लिए आपको स्टे मिलेगा कि साहब मैं तो मेंटेनेंस देने को तैयार था, पर ना तो मेरी बीवी के एग्जीक्यूशन की जो है एप्लीकेशन कभी भी बराबर ली गई, और ना ही कोर्ट ने इस बात को किसी तरह से और किसी प्रोविजन में डिफाइन किया है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी बीवी ने जो बिना सबूत के झूठा केस लगाया है उसकी भी पोल खुल जाएगी कि जब सबूत है तो पूरा फाइनल मेंटेनेंस ही ले ले मुझसे, मैं तो देने को तैयार हूं अगर सबूत है तो, और अगर नहीं है तो फिर इंटरिम भी किस बात का। अगर इस वक्त ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों से जो आप ही की तरफ पीड़ित है, कम से कम एक आदमी को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।